तो दोस्तों, सफलता पाने के तीन नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा और मजबूत इरादा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है अगस्त 24, 2019 और डे है सैटरडे। स्टार्ट करने से पहले सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, सवाल सेवी के रिगार्डिंग बिलोंग करता था। इस सवाल का सही जवाब है डी, ऑल ऑफ दी अबव। आपके लिए आज का सवाल रिलेट करता है ट्रैफिक से। विद रिस्पेक्ट टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्किन एंड बोन्स अनरिजॉल्व्ड एन एनालिसिस ऑफ टाइगर सीजर फ्रॉम 2000 to 2018, जिसको ट्रैफिक ने निकाला है, द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ने निकाला है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि द स्टडी रिवील्स दैट अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ टाइगर्स फ्रॉम कैप्टिव सोर्सेज वर सीज्ड ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड एंड दैट इट अंडरपिन्ड द रिकरेंट थ्रेट रिगार्डिंग द लीकेज ऑफ कैप्टिव टाइगर्स इनटू द इलीगल मार्केट। दूसरी स्टेटमेंट है, इंडिया विद द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन टॉप्ड इन द ट्रैफिकिंग ऑफ टाइगर एंड टाइगर बॉडी पार्ट्स ओवर 19 ईयर्स सिंस 2000। ट्रैफिक केस एनालिसिस ने इस चीज़ को भी सामने रखा। नंबर थ्री, थाईलैंड रिपोर्टेड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर सीज थ्रू आउट द 19 ईयर पीरियड। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए वन एंड टू ओनली, बी टू एंड थ्री ओनली, सी वन एंड थ्री ओनली, अ डील ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स करंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर वन, पहली खबर हम लोगों को मिलती है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू डाउनटर्न विद स्टेप्स टू बूस्ट ग्रोथ। भारत सरकार हमारे सामने कुछ बड़े कदम लेकर आई है और बड़े कदम लाने का जो मेन मकसद यही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको थोड़ा सा बूस्ट किया जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इस चीज़ को अनाउंस किया, देयर आर स्लू ऑफ मेजर्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द सेक्टर, जिसके अंदर यहाँ पर जो कंट्रोवर्शियल सरचार्ज लगाया जा रहा था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ऊपर, उसको कम किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो स्टेटमेंट है, रिस्पेक्ट ऑल वेल्थ क्रिएटर्स, उसको ध्यान में रख के कुछ यहाँ पर स्टेप्स हम लोगों के लिए सामने आए। इसके साथ साथ सीतारमन जी ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया दैट द गवर्नमेंट वुड नॉट ट्रीट अ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वायोलेशन एज अ क्रिमिनल ऑफेंस, जिसके बारे में यहाँ पर पहले बात की गई थी। इन सारे के सारे आर्टिकल्स को एक पिक्चर के अंदर लिस्ट आउट किया गया है, व्हेन पुश कम टू द शो। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ये यहाँ पर जो बड़े बड़े कदम उठाए हैं ये इकोनॉमिक ग्रोथ के बूस्ट के लिए उठाए हैं। यहाँ पर ये भी प्रॉमिस किया कि जितने भी लोग वेल्थ क्रिएटर्स हैं देश में उनको भारत सरकार सपोर्ट करेगी। पॉइंट नंबर वन, इंक्रीज्ड सरचार्ज ऑन एफपीआईज स्क्रैप्ड। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के ऊपर जो सरचार्ज लगाया गया था अब उसको ख़त्म कर दिया गया है, स्क्रैप कर दिया गया है, बोला है कि कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। नंबर टू, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर कोई वायलेट करता था तो बात हो रही थी कि उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में देख लिया जाएगा और उसको यहाँ पर जेल की सजा भी काटनी पड़ सकती है, एज वेल एज इंडिविजुअल कंपनी और जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर भी फाइन लगाया जाएगा। बट उन सारी के सारी चीज़ों को भी यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया है, बोला है कि ये सब चीज़ें नहीं हैं। इसके साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसके अंदर इन्फ्यूजन ऑफ 70,000 करोड़ टू बी रिलीज्ड अप फ्रंट इन वन गो। 70,000 करोड़ रुपये पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर डाले जाएंगे। डालने का मेन मकसद ये है कि मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज हो सके। जो बैंक्स हैं उन्होंने भी यहाँ पर एक चीज़ को माना है कि वो जो MCLR का इस्तेमाल करते थे उसकी जगह पर अब रेपो लिंक्ड लोन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे डायरेक्टली बोरोअर्स का फ़ायदा होगा। मतलब अगर मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी थोड़ा सा भी कम करती है यहाँ पर रेपो रेट, हमें डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट लोगों के लिए जो लोन्स होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट में देखने को मिलेगा। एडिशनल 20,000 करोड़ रुपीज़ की जो लिक्विडिटी है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, विच विल ऑल्सो बेनिफिट द बोरोअर्स। ओके, तो 20,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी को भी दी जाएंगी। इसके साथ साथ आपको एक और अपडेट बता देता हूँ कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है, रिसेंटली RBI से उसके सारे के सारे जो स्टेक्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चले गए थे। गवर्नमेंट यहाँ पर परचेज करेगी कार्स टू बूस्ट ऑटो डिमांड एंड हायर रजिस्ट्रेशन फीस को भी यहाँ पर अभी के लिए पुट ऑफ कर दिया गया है, कैंसिल आउट कर दिया गया है। डिलेड पेमेंट जो की जाती हैं PSU द्वारा उसको भी एक्सपेडाइट किया जाएगा। जो एंजल टैक्स होता है उसको विड्रॉ कर लिया गया है फॉर द रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स। ये एक बहुत बड़ा कदम है। एंजल टैक्स क्या होता है, जो यहाँ पर कोई भी एक स्टार्टअप नहीं खड़ी होती है
और वो अपने शेयर्स रिलीज करती है और कोई एंजल इन्वेस्टर उन शेयर को ख़रीद लेता है उसकी असली दाम से ज़्यादा में, तो उस दाम से ज़्यादा के जो यहाँ पर अमाउंट है उसके ऊपर एंजल टैक्स लगता है, तो उसको भी विड्रॉ कर लिया गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, देश में जो स्टार्टअप्स हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट बढ़ता हुआ हम लोगों को नज़र आएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर हॉनेस्ट डिसीजन मेकिंग के लिए और लेंडिंग को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके साथ साथ पेंडिंग GST रिफंड्स टू MSME टू बी पेड विद इन 30 डेज, जो रिफंड होता है जो कि पेंडिंग है उसको 30 दिन के अंदर अंदर पे आउट भी किया जाएगा। अमेंडमेंट टू MSME एक्ट टू मूव टूवर्ड्स सिंगल डेफिनेशन टू बी कंसिडर्ड। MSME एक्ट के अंदर भी थोड़े से हम लोग बदलाव करेंगे और सिंगल डेफिनेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। IT ऑर्डर्स, नोटिस, इन सब चीज़ों से रिलेट करते हुए जो चीज़ें होती हैं उनको सेंट्रलाइज सिस्टम से लिंक किया जाएगा, जिससे जो हरासमेंट वाली चीज़ें होती हैं उनको कटआउट किया जा सके। यहाँ पर एक डेडिकेटेड सेल स्टैब्लिश करने की बात हो रही है टू एड्रेस प्रॉब्लम्स ऑफ स्टार्टअप्स। इसके साथ साथ यहाँ पर एक एंटिटी, एक नई हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ नज़र आएगा फॉर क्रेडिट एनहांसमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। जो टास्क फोर्स है वो बनाई जाएगी टू फाइनलाइज द पाइपलाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, और जो एक्शंस हैं डेवलपमेंट के लिए से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप मार्केट डेवलप हो सके वो भी बहुत ही जल्द हमें फिनेंस मिनिस्ट्री लेती हुई नज़र आएगी। जो KYC प्रोसीजर्स होते हैं, नो योर कस्टमर्स वाले जो यहाँ पर प्रोसीजर्स होते हैं उनको भी और सिंप्लीफाई किया जाएगा, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे देश में आराम से इन्वेस्ट कर सके। ये तो डिसीजन कल ही लिया गया था। इसके साथ साथ जो रियल एस्टेट सेक्टर है उससे रिलेटेड भी बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट हम लोगों के लिए आती हुई नज़र आएंगी। इसी के साथ साथ पेज नंबर 1 पे हमें एक और खबर मिलती है, न्यू बॉडी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। पीछे जो हम लोगों ने कवर किया था उसी में से कुछ एक्स्ट्रा एडिटोरियल आर्टिकल्स भी आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा आर्टिकल्स हैं। तो सेंटर यहाँ पर प्रपोज करता है कि वो एक नया डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे जो कि हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए होगा। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव असेस टू लॉन्ग टर्म फिनेंसिस, इट इज़ प्रपोज टू एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्रेडिट एनहेंसमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जिससे हमारे देश के डेवलपमेंट बैंक्स को भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा बढ़ावा दे सकें। इसी आर्टिकल से रिलेट करता हुआ एक आर्टिकल हम लोगों को पेज नंबर 15 पे मिलता है, डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूट या डेवलपमेंट फिनेंस इंस्टीट्यूट टू फिल इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग गैप। सरकार ने प्रपोजल डाला है कि वो एक डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, DFI को फॉर्म करेंगे, जो कि हमारे देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर फिनेंशियल नीड्स हैं उनको रिजॉल्व करने में हमारे काम आएगा, क्योंकि बैंक्स के पास आज की डेट में लॉन्ग टर्म फंड्स नहीं हैं जिससे वो यहाँ पर कोई बड़े प्रोजेक्ट्स को फिनेंस कर सकें। ओवर द ईयर्स सम ऑफ द मेजर डेवलपमेंट फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वर मर्ज्ड विद देयर बैंकिंग आउटफिट्स, जैसे ICICI और IDBI। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैड रिलीज अ डिस्कशन पेपर, एक डिस्कशन पेपर को RBI ने यहाँ पर रिलीज किया है ऑन होलसेल एंड लॉन्ग टर्म फिनेंस बैंक इन 2017, जिसके अंदर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया है देयर वर अ डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स रिलेटिव टू टोटल असेट्स ऑन द बैंक्स बैलेंस शीट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को भी बोला कि जो स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं वो यहाँ पर होलसेल और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। जो हमारे देश की नीड है आज की डेट में इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, हमारे देश में जो यहाँ पर गैप्स हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल के उनको फिलअप करने के लिए, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इन सारी की सारी चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। हम लोग हैं पेज नंबर 15 पे, खबर मिलती है फिनेंस मिनिस्टर स्टेप्स इनटू एक्सेलरेट ऑटो डिमांड। हमारे देश में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आज की डेट में हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखने को मिल रहा है। फ्रॉम द हाई ग्रोथ इंडस्ट्री इन द फर्स्ट हाफ ऑफ FY 2019, जो ऑटो इंडस्ट्री है वो हम लोगों को सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री के रूप में नज़र आई। आप लोग खुद यहाँ पर मैप्स में देखो, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, इनकी ग्रोथ आप देखोगे सब की यहाँ पर नेगेटिव में चल रही है। दीज ऑल आर गोइंग टू नेगेटिव। तो फिनेंस मिनिस्ट्री ने, फिनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पर क्या रेमेडी दी है, सबसे पहला हायर डेप्रिसिएशन ऑफ 30% अप फ्रॉम 15% फॉर ऑल व्हीकल्स परचेज फ्रॉम नाउ टिल मार्च 31st 2020।
इसके साथ साथ डिफरमेंट ऑफ हायर वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस को यहाँ पर मोट आउट कर दिया गया है जून 2020 तक। जो बैन था ऑन परचेज ऑफ न्यू व्हीकल्स उसको लिफ्ट अप किया गया है फॉर ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिससे शायद अगर सरकारी विभाग शायद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर पैसे खर्च करेंगे, गाड़ियाँ खरीदेंगे, तो इस वजह से तो कम से कम डिमांड अपलिफ्ट होगी ही होगी। इसके साथ साथ जो सेंटर है इट नीड टू लुक इन टू अदर मेजर्स टू बूस्ट द डिमांड, जिसके अंदर जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसको भी देखना पड़ेगा। GST रेट का जो डिसीजन है वो जल्दी आता हुआ नज़र आएगा हम लोगों को, क्योंकि वो फिनेंस मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं होता, दैट इज डिवाइडेड बाय GST काउंसिल। तो इन जुलाई 2019 मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज ने इशू किया था एक नोटिफिकेशन, जिसने प्रपोजल डाला था कि इंक्रीज कर दिए जाएंगे रजिस्ट्रेशन चार्जेस फॉर न्यू IC इंजन पावर्ड व्हीकल्स टू 5000 फ्रॉम करंट 600 रुपीज़। इसको ऑटो इंडस्ट्री ने बहुत ज़्यादा रजिस्ट करने की कोशिश करी थी, इसके खिलाफ भी बोला गया था। अब यहाँ पर फिनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने अनाउंस किया है कि गवर्नमेंट विल लुक इनटू अदर मेजर्स टू बूस्ट डिमांड इंक्लूडिंग द स्क्रैपेज पॉलिसी, और करेंटली यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन चार्ज को बढ़ाया गया था उसको अभी ख़त्म कर दिया गया है। फिनेंस मिनिस्ट्री हाउएवर सेड दैट कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती GST के ऊपर, क्योंकि वो डिसीजन GST काउंसिल डिसाइड करती है, और GST काउंसिल की जो अगली मीटिंग है वो हमें सितंबर 20 को होती हुई नज़र आएगी। जो गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ को भी क्लैरिफाई किया है कि जो BS4 कंप्लायंट व्हीकल्स हैं जिनकी परचेज मार्च 31st 2020 तक की जाएगी, वो सारे के सारे व्हीकल्स तब तक देश में चलते रहेंगे जब तक उनका रजिस्ट्रेशन वाला पीरियड ख़त्म नहीं होता है। इसी के साथ साथ पेज नंबर 15 पे एक और खबर मिलती है हम लोगों को, EMIs और न्यू होम ऑटो लोन्स मे गेट चीपर। EMI की फुल फॉर्म क्या होती है? EMI को बोलते हैं इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। व्हाट इज, ये याद रख लेना, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स। EMI जो होता है रिटेल लोन्स के ऊपर, जैसे होम लोन है या ऑटो लोन्स है, वो हमें सस्ता होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर अब MCLR की जगह एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट, हम लोग रेपो रेट का इस्तेमाल करेंगे, वी विल यूज दिस पर्टिकुलर रेपो रेट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जिसने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था कि वो लिंक कर देंगे अपने होम और ऑटो लोन रेट्स को रेपो रेट के साथ, शॉर्टली आफ्टर फिनेंस मिनिस्टर्स इंटरेक्शन विद द मीडिया, यहाँ पे बोला कि जब रेपो रेट को लिंक किया जाएगा रेट्स के साथ थोड़े से चीपर इंटरेस्ट रेट हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। फॉर एग्जाम्पल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अगर रेपो लिंक्ड होम लोन की बात करते हैं अबव 30 लाख टू 75 लाख वो 8.25% होगा, जो कि 35 बेसिस पॉइंट्स कम है एग्जिस्टिंग रेट से। यहाँ पर हमारा SBI और सिंडिकेट बैंक पहले ही इस चीज़ को अनाउंस कर चुके हैं कि उनके जो होम लोन्स हैं वो यहाँ पर रेपो रेट के साथ कनेक्ट करेंगे। बैंक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कम आउट विथ सिमिलर स्कीम्स वेरी शॉर्टली। पेज नंबर 1 पे हम लोगों को खबर मिलती है, और ये खबर है अनियन से, प्याज से रिलेट करते हुए, सेंटर स्टेप्स इनटू कंट्रोल अनियन प्राइसेस। एक बार प्याज के दामों की वजह से सरकार गिर गई थी, सरकार को उसी चीज़ का डर है, और ऑनियन जो सप्लाईज हैं, ऑनियन की जो सप्लाई हैं दे आर फेलिंग, वो थोड़ी कम हो रही है, और सरकार को लगता है कि ये जो होल्डर्स होते हैं, प्रॉफिटर्स होते हैं, उनकी वजह से हो रही है, तो सरकार उनके ऊपर चेकआउट करने की कोशिश कर रही है। तो यूनियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो पुलिस विभाग है आसपास की स्टेट्स का, नेबरिंग स्टेट्स का, उनको बोला है कि आप आर्टिफिशियल जो स्टोरेज है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर बड़े कदम उठाओ। जो इशू है इसको सामने रखा गया था एक मीटिंग के अंदर टू रिव्यू द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज सच एज अनियन, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, जो यहाँ पर मीटिंग हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी अविनाश के श्रीवास्तवा। हैवी रेन्स की वजह से यहाँ पर जो अनियन ग्रोइंग स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटका, वहाँ पर हमें प्याज के दाम बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि सबके घरों की किचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टेपल डाइट है। ऑन वेनसडे कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट हैड डायरेक्टेड मदर डेयरी टू पुट 23.90 पर kg कैप ऑन अनियन प्राइजेस एट इट्स सफल शॉप, और यहाँ पर और भी स्टेप भारत सरकार लेगी जिससे जो सप्लाई है अनियन की वो हम लोगों को बढ़ती हुई नजर आ सके। इसी के साथ साथ पेज नंबर 4 खबर मिलती है, डेडलाइन फॉर गेटिंग RFID टैग्स एंड वायलेटर्स टू फेस अ हेफ्टी फाइन्स। यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल्स दिल्ली के अंदर एंटर होंगे आज के बाद,
उन लोगों के पास अगर RFID टैग्स नहीं होगा तो उनके लिए मुसीबत हो जाएगी 13 बॉर्डर पॉइंट्स पे भी। तो जो ये यहाँ पर पेनल्टी उनके ऊपर लगाई जाएगी, स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगेगी जो कि यहाँ पर RFID टैग्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। व्हीकल एंटरिंग द सिटी विदाउट दिस पर्टिकुलर टैक्स विल हैव टू पे डबल द टोल एज पेनल्टी इन द फर्स्ट वीक, 4 times द अमाउंट इन द सेकेंड वीक और 6 गुना यहाँ पर फाइन भरना पड़ेगा तीसरे वीक के अंदर। फॉलोइंग दिस जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं विदाउट RFID दे विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर सिटी ऑफ दिल्ली। जो सिस्टम है वो यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि जो कंजेशन हो जाता है टोल टैक्स वाली जगहों पर उसको कम करने के लिए भारत सरकार बड़े कदम उठाए। जो टैक्स है दे विल अलाउ अथॉरिटीज टू ऑटोमेटिकली डिडक्ट टोल टैक्सेस, कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो टोल टैक्स होता है वो डिडक्ट हो जाता है। एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज इन लेस देन 10 to 15 seconds, एनवायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज भी अपने आप कट जाता है जैसे ही व्हीकल कोई भी टोल बूथ से पास करता है। तो मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये पिक्चर है फास्टैग की। भारत सरकार ने फास्टैग जैसा टैग इंट्रोड्यूस किया था और इसी के अंदर यहाँ पर जो RFID टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से वॉलेट या बैंक अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली कट जाते थे। ये किस तरीके से वर्क करता है देखो, किसी के पास मान लो फास्टैग लगा हुआ है, ये ऊपर यहाँ पर टैग रीडर लगा हुआ है टोल वाले नाके पे, यहाँ पर जो RFID है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फास्टैग को डिटेक्ट कर लेगा और पैसे काट लेगा और दरवाज़ा खुल जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा भी हम लोगों ने लगाए हुए हैं। हाउ डज दिस RFID वर्क, RFID वर्क कैसे करता है? इसमें ऐसे होता है कि यहाँ पर जो ट्रांसपोंडर होता है वो सिग्नल रिसीव करता है, ट्रांसपोंडर इज चार्ज्ड विद एनफ एनर्जी टू सेंड बैक एन आइडेंटिफाइंग रिस्पॉन्स। उसके यहाँ एक एंटीना भी होता है जो कि रीडर के चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करता है। ओके, और कंप्यूटर सिस्टम से इनको हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं। तो रीडर का डेटा होता है उसको सेंड किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, लॉक किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है और जो पैसे होते हैं उन्हें ऑटोमेटिकली हम लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं वॉलेट या बैंक अकाउंट से। अगली न्यूज़ की तरफ हम लोग हैं पेज नंबर 4 पे, खबर मिलती है कैपिटल रैंक्स लास्ट इन नीति आयोग असेसमेंट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। नीति आयोग ने निकाला है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, जिसके अंदर ये देखा गया है कि किस तरीके से जो स्टेट्स और जो यूनियन टेरिटरी हैं वो अपने पानी को मैनेज करती हैं और सबसे आखिर में जो रैंक है वो आई है दिल्ली की। दिल्ली फिनिश एट द बॉटम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। जो असेसमेंट है वो यहाँ पर 9 themes के बेसिस पे किया गया, ईच हैविंग एन अटैच्ड वेट, हर एक पर्टिकुलर थीम के साथ एक वेट अटैच था एंड असेसेस हाउ वेल स्टेट्स हैव डन ऑन क्राइटेरिया सच एज ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर रिस्टोरेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेजर एंड मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट्स, वाटरशेड डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी इरीगेशन मैनेजमेंट, ऑन फार्म वाटर यूज, रूरल एंड अर्बन वाटर सप्लाई एंड पॉलिसी एंड गवर्नेंस। ये जो इंडिकेटर्स हैं इनको और हम लोगों ने 28 ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स में ब्रोक डाउन किया था। दीज फॉर इंस्टेंस वर्क क्वेश्चन सच एज कि क्या जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपनी स्टेट्स के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो स्ट्रक्चर है उसे बनाया है, वट परसेंटेज ऑफ इरीगेशन पोटेंशियल वॉज रियलाइज बाय दैट पर्टिकुलर स्टेट। इस तरीके से यहाँ पर कुछ क्वेश्चनेयर भी थे। मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर यहाँ पर क्या है, 100 है। गुजरात यहाँ पर लगातार दूसरी बार टॉप करता हुआ नजर आया है, गुजरात को मिले हैं टोटल 75 points। दिल्ली और पुडुचेरी सिर्फ यहाँ पे 2 union territory थी जिनको यहाँ पर इंक्लूड किया गया इस रैंकिंग के अंदर। इसका एक बड़ा रीज़न ये था फॉर दिल्ली इज ए लक लास्ट ईयर परफॉर्मेंस वॉज दैट इट डिड नॉट प्रोवाइड डेटा फॉर सेवरल इंडिकेटर्स। दिल्ली की रैंक क्यों सबसे आखिर में आई है, क्योंकि दिल्ली ने बहुत सारे इंडिकेटर्स पर डेटा प्रोवाइड ही नहीं किए। ऐसा नहीं है कि सच्ची में दिल्ली की परफॉर्मेंस खराब रही है, इट फेल्ड टू रिपोर्ट डेटा ऑन 12 इंडिकेटर्स, रिपोर्टेड नील फिगर ऑन फ्यू अदर्स प्लेटफॉर्म्स और फ्यू अदर्स डेटा। इसीलिए जो स्कोर था वो 0 रहा 4 themes के अंदर विच कलेक्टिवली मेड अप 40% ऑफ द मैक्सिमम स्कोर। ये जो पर्टिकुलर लिमिट्स है पोटेंशियल है टू अंडरस्टैंड दिल्ली इज अ वाटर मैनेजमेंट परफॉर्मेंस थ्रू द इंडेक्स एंड कंपेयर इट विद अदर स्टेट्स। यहाँ पर दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर रिलेटेड चैलेंजेस हैं। वाटर असेस फॉर द अर्बन पुअर रिसाइडिंग इन स्लम्स एंड डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर, जैसे यमुना नदी के अंदर इतनी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाई जाती है। इट ऑल्सो रैंक द सेकेंड इन द लिस्ट ऑफ 20 largest water state cities in the world in 2015।
एक बड़ी रिकमेंडेशन जो नीति आयोग ने यहाँ पर दिल्ली के लिए दी वो ये थी कि एक इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर इस्टेब्लिश किया जाए वाटर रिसोर्सेज के लिए, जो कि यहाँ पर जिसकी मदद से जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिसेस है उन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सके। इसी से रिलेटेड एक और खबर हम लोगों को देखने को मिलती है, दैट इज 13 स्टेट्स एंड यूटीज इम्प्रूव देयर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। यहाँ पर 27 स्टेट्स और यूटी में से 13 स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हम लोगों को पिछले साल के मुकाबले अच्छी होती हुई नज़र आई हैं। ये नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की वजह से ही हमारे सामने आया। 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके बहुत ही यहाँ पर वर्स परफॉर्मेंस रही है देन दी लास्ट ईयर विद दिल्ली विच वॉज इवेल्यूएटेड फॉर दी फर्स्ट टाइम दिस ईयर, और यहाँ पर सबसे लोएस्ट स्कोर आया। इसका रीज़न मैंने आपको अभी पीछे बताया था। गुजरात की बात करें, गुजरात की एक अच्छी परफॉर्मेंस रही है, टॉप किया है गुजरात ने। जो इंडेक्स है उसका मेन एम क्या है, व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस इंडेक्स? द एम इज एट कैप्चरिंग हाउ वेल स्टेट हैव डन इन ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर रिस्टोरेशन, किस तरीके से मेजर और मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट स्टेट्स ने इंप्लीमेंट किए हैं, पॉलिसी और गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा था, ऑन फॉर्म वाटर रिसोर्सेज कैसे थे, इरीगेशन मैनेजमेंट कैसा था, इन सब चीज़ों को यहाँ पर इस इंडेक्स के अंदर देखा गया। जो इंडिकेटर्स हैं इनको 28 और ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेकआउट किया गया जो हम लोगों ने पहले डिस्कशन में लिए हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। यहाँ पर खबर मिलती है, ट्रिपल तलाक, सुप्रीम कोर्ट इश्यूज नोटिस टू द सेंटर गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक बहुत ही ब्रॉड इशू उठाया जो कि यहाँ पर ट्रिपल तलाक से लिंक करता था। यहाँ पर इस चीज़ को भी पॉइंट आउट किया गया दैट सर्टेन प्रैक्टिसेस लाइक डॉरी मैनेज टू सर्वाइव डिस्पाइट बींग हेल्ड इनवैलिड एंड कंडेम्ड एज क्राइम्स। यहाँ पे बेसिक मुद्दा ये है कि जो ट्रिपल तलाक है क्यों उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस के रूप में लिया गया। बेंच थी यहाँ पर जस्टिस एनवी रामना और अजय रोस्तोगी जी की, उन्होंने इशू किया नोटिस यहाँ पर सरकार को ऑन प्लीज चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जो कि पीनलाइज करता है और डिक्लेयर करता है ट्रिपल तलाक को इलीगल एंड वॉइड एंड ए क्रिमिनल ऑफेंस। जो पिटीशन थी उसको कंटेंट किया गया दैट द सुप्रीम कोर्ट हैड डिक्लेयर्ड अटरेंस ऑफ ट्रिपल तलाक एज नल एंड वॉइड। यहाँ पे अर्ज किया कि कोर्ट टू स्टे द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डिनेंस वाइल क्वेश्चनिंग द हैस्ट विद द गवर्नमेंट प्रमोलगेटेड इट। तो यहाँ पर ट्रिपल तलाक से रिलेटेड हमारे सामने आया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, ये आपके लिए एडिटोरियल सेक्शन है। सबसे पहला एडिटोरियल है एन एंड टू आर्म्स कंट्रोल कंसेंसस। यहाँ पर बेसिकली एक कहानी आपको सुनाई गई है, काउंटडाउन के बारे में बात की गई कि जो काउंटडाउन है यूएस रशिया आईएनएफ ट्रीटी पे, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी पे, वो अक्टूबर 2018 के अंदर चालू हुआ था जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज़ को अनाउंस किया कि यूएस विड्रॉ करेगा इस पूरी की पूरी ट्रीटी से। अगस्त 2nd यूएस ने फॉर्मली इस ट्रीटी से अपने पैर पीछे खींच लिए। ये जो पर्टिकुलर ट्रीटी है इसको 1987 के अंदर कंक्लूड किया गया था और यूएस और रशिया, मतलब उस समय वो यूएसएसआर था, उन दोनों के बीच में एक ऑब्लिगेशन साइन आउट किया गया था कि जितने भी ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स हैं, ज़मीन से चलने वाले जितने भी यहाँ पर मिसाइल्स हैं, ग्राउंड बेस्ड मिसाइल्स हैं जिनकी रेंज 500 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक की है, उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा एट अ रिस्क। अब ये जो नई जो ट्रीटी जो आज की डेट में रिस्क में है वो है स्टार्ट ट्रीटी। स्टार्ट ट्रीटी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी जिसको 2010 के अंदर साइन आउट किया गया था और इस ट्रीटी लैप्स होने वाली है फरवरी 2021 के अंदर। इट हैज़ अ प्रोविजन फॉर अ 5-year एक्सटेंशन, पर डोनाल्ड ट्रंप शायद इस एक्सटेंशन की तरफ आगे नहीं बढ़ना चाहते। द डिकेड ऑफ द 1980s सॉ हाइटेंड ऑफ कोल्ड वॉर टेंशन। कोल्ड वॉर टेंशन हम लोगों को बढ़ती हुई नज़र आई थी 1980s के दौरान। जो सोवियत मिलिट्री था उसने यहाँ पर इंटरवीन किया अफगानिस्तान के अंदर 1979 में। That provided US an opportunity to fund a covert jihad with the help of Pakistan. देखो यहाँ पे भी वही बात की गई है कि किस तरीके से सोवियत मिलिट्री के इंटरवेंशन के बाद अफगानिस्तान के अंदर US ने तालिबानों को सपोर्ट किया। प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन थे उस समय, उन्होंने USSR को बोला था कि USSR एक evil empire है और एक स्पेस वॉर इनिशिएटिव भी उन्होंने लॉन्च किया था। सोवियत डिप्लॉयमेंट इन यूरोप, सोवियत ने उस समय यूरोप के अंदर SS-20 मिसाइल डिप्लॉय कर रखी थी पर मैच्ड बाय द US विद पर्शिंग 2 एंड US की जो क्रूज मिसाइल थी वो यहाँ पर सामने आई इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए। यहाँ पर बात करते हैं 1985 की। सो 1985 ये जो दोनों देश थे ये आर्म कंट्रोल नेगोशिएशन के अंदर आए थ्री ट्रैक अरेंजमेंट के अंदर। फर्स्ट,
डेल्ट विद द स्ट्रेटेजिक वेपन जिनकी रेंज यहाँ पर 5500 किलोमीटर से ऊपर की है, जिसके लिए हम लोगों ने स्टार्ट एग्रीमेंट साइन किया था 1991 में, जिसने यहाँ पर दोनों देशों को लिमिट कर दिया गया था, बोथ साइड्स फॉर लिमिटेड टू 1600 स्ट्रेटेजिक डिलीवरी व्हीकल्स एंड 6000 वॉर हेड्स। दूसरी जो ट्रैक डील थी वो यहाँ पर रिलेट करती थी इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल से ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न टू द यूरोपियंस, जिसको INF TT के नाम से जानते थे 1987 में। थर्ड ट्रैक यहाँ पर न्यूक्लियर और स्पेस टॉक से रिलेट करता था। इट वॉज इंटेंडेड टू एड्रेस द सोवियत कंसर्न रिगार्डिंग द US स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव SDI इनिशिएटिव, बट दिस डिड नॉट यील्ड एनी कंसर्न आउटकम्स। हमारे सामने कोई भी बेहतरीन रिजल्ट हम लोगों को नहीं नजर आए थे। जो INF TT है, इट वॉज हेल्ड एज अ ग्रेट डिसआर्मामेंट पैक्ट। INF TT को पूरी दुनिया ने इस तरीके से देखा कि एक बहुत ही बड़ा डिसआर्मामेंट पैक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से वॉर वेपन्स की जो यहाँ पर ट्रेड हो रहा था उसके ऊपर रोक लगाएगा। ओके, बट हम लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड को डिसमेंटल नहीं किया गया, खासकर उनको जो कि एयर लॉन्च्ड या सी लॉन्च्ड मिसाइल्स थे। फर्दर, सिंस इट वॉज अ बायलेटरल एग्रीमेंट, जो ट्रीटी थी वो और बाकी सारे देशों को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती थी, बट दिस हार्डली मैटर एज इट वॉज द एज ऑफ बायपोलैरिटी और उस समय सिर्फ दो ही देश थे, US और USSR। 1991 के अंदर जो INF है, इट हैड बीन इम्प्लीमेंटेड। USSR की बात करें, USSR ने अराउंड 1846 मिसाइल्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय किया, और US ने यहाँ पर 846 पर्शिंग एंड क्रूज मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय किया। एसोसिएटेड प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को यहाँ पर क्लोज डाउन कर दिया गया था, और यहाँ पर ट्रस्ट बट वेरीफाई का कॉन्सेप्ट भी सामने आया था, कि यहाँ पर एक दूसरे के देश के साथ ट्रस्ट तो है ही कि हाँ आप लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया, बट यहाँ पर वेरिफिकेशन भी होगा। कोल्ड वॉर हम लोगों को एंड होती हुई, ख़त्म होती हुई नजर आई। ब्रेकअप हो गया USSR का इन द एंड ऑफ 1991, और जो आर्म रेस थी वो भी ख़त्म हो गई। फॉर्मर सोवियत अलाइज धीरे धीरे अब नाटो को ज्वाइन करने लगे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने लगे, एंड नेगोशिएटिंग टू बिकम द यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। जो US था वो इन्वेस्ट कर रहा था इस समय पे मिसाइल डिफेंस के अंदर, कन्वेंशनल ग्लोबल प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ के अंदर, और टेक्नोलॉजिकली US बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था। इंपॉर्टेंटली, सम ऑफ दीज वर ब्लरिंग द न्यूक्लियर कन्वेंशन डिवाइड। बात है 2001 की, 2001 की, जब US ने अनाउंस किया कि US यूनिलेटरली विड्रॉ कर देगा 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल TT से, ABM TT से, जो कि एक कॉर्नर स्टोन, एक की स्टोन था बायलेटरल न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल के लिए। INF TT के बारे में अगर हम लोग बात करें, वो शुरू से ही अंडर थ्रेट आ गई थी 1972 की, जब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल से बाहर आने की कोशिश 2001 के अंदर US ने की थी। US ऑल्दो इसका गुनहगार यहाँ पर रशिया के नोवाल्टर 9M729 मिसाइल को बताता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रशिया जो ये मिसाइल है ये 497 टू 499 किलोमीटर तक जा सकती है। US कहता है कि यहाँ पे डेटा गलत है, वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा जाती है। ओके, यहाँ पर जो रशिया है, इट बिगन प्रोडक्शन, फॉर्मली एलिगेट यहाँ पर किया इस TT के, और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2014 के अंदर इसके लिए कंसर्न उठाए थे। रशिया ने डिनाई किए इन सारे के सारे ब्लेम्स को, कि US फॉर डिप्लॉइंग द मिसाइल डिफेंस इंसेप्टर्स इन पोलैंड रोमानिया, और एक डुअल पर्पज लॉन्चर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। बेसिकली रशिया बिलीव करता है दैट न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बिगिन गेटिंग अपसेट सिंस US यूनिलेटरली विदड्रॉन फ्रॉम द ABM TT। जिस तरीके से US को देखें, US ने इस्तेमाल किया है अपनी टेक्नोलॉजिकल लीड का बहुत सारी एडवांटेजेस के अंदर, रशिया धीरे धीरे डिपेंडेंट होता गया ऑफेंसिव न्यूक्लियर आर्सनल, और धीरे धीरे यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन चालू कर दिया था रशिया ने भी। US के 2017 के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी और न्यूक्लियर पॉस्चर रिव्यू के अंदर यहाँ पर इस चीज़ को रिफ्लेक्ट आउट किया गया था, कि हार्शर देन बिफोर असेसमेंट ऑफ इट्स सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, और यहाँ पर एक एक्सपेंसिव रोल के बारे में बात की थी न्यूक्लियर वेपन्स के। रशिया को एक डिसरप्टिव पावर के रूप में देखा गया था, जो कि यहाँ पर रीऑर्डर कर रही थी अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को यूरोप और वेस्ट एशिया के अंदर। विद द जियोपॉलिटिकल शिफ्ट इन द इंडो पैसिफिक, US बिलीव करता है कि जो INF TT है वो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है US के ऊपर, और कहीं ना कहीं एक एडवांटेजियस पोजीशन पे चाइना को रख रही है, और चाइना ने धीरे धीरे अपने मॉडर्नाइजेशन को एक्सपैंड किया है, टेक्नोलॉजी को एक्सपैंड किया, और 95% जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं दे आर इन टू द इन्वेंट्री इन द INF TT।
तो पॉलिटिकल बैकड्रॉप के साथ यूएस को यहाँ पर काउंटर करना है चाइना से, इसीलिए यूएस ने बड़ा कदम उठाया। 2011 की जो न्यू स्टार्ट है, इट वॉज द सक्सेसर टू द स्टार्ट फ्रेमवर्क। स्टार्ट फ्रेमवर्क की ये सक्सेसर है, ओके। लिमिटिंग बोथ साइड टू 700 स्ट्रेटेजिक लॉन्चर्स, 1550 ऑपरेशनल वॉरहेड्स, जो कि लैप्स होगी फरवरी 2021 के अंदर, अनलेस एक्सटेंडेड फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, ओके। तो ये आपके लिए आज का एक और एडिटोरियल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 10 पे हमें एक और एडिटोरियल मिलता है, लेटिंग द पर्ल ऑन द सिल्क रोड शाइन ब्राइटर। यहाँ पे एंशियंट सिल्क रोड के बारे में बात हो रही है, क्योंकि रिसेंटली चाइनीज प्रेसिडेंट ज़ाय जिनपिंग गए मोगाओ ग्रोटियोस के अंदर, जो कि दुनहांग सिटी चाइना के अंदर पड़ता है, वहाँ पे जो कल्चर रिलिक्स है उनको देखने, कुछ रिसर्च वर्क्स को देखने गए थे। दुनहांग उस जगह को हम लोग कहते हैं जिसकी हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिलेशन है, मैजिकल ब्यूटी के नाम से भी जानते हैं। अराउंड 2000 ईयर अगो चाइनीज ज्योग्राफर ऑफ द ईस्टर्न हैन डियांग यिंग शो, उन्होंने बोला था कि डुन का मतलब होता है ग्रैंड, हुआंग का मतलब होता है स्प्लेंडेड, इसलिए डुनहुआंग का मतलब होता है लैंड ऑफ ग्रैंड स्प्लेंडर। हिस्टोरिकल चेंजेस हम लोगों को होते हुए नजर आए हैं, बट कल्चरल ट्रेजर्स हम लोगों को आज भी इस जगह पर, डुनहांग वाली जगह पर देखने को मिल जाएंगे। मगाओ ग्रोटर्स, जो कि एक डेजर्ट ओएसिस के अंदर लोकेटेड है, इट इज सराउंडेड बाय वाटर एंड माउंटेन्स, 1650 ईयर्स से वो इसी तरीके से खड़ी हुई है। इट बिकम द मोस्ट अबंडेंट एंड एक्यूजेट बुद्धिस्ट आर्ट रिलिक्स इन चाइना। यहाँ पर हमको उस 1650 ईयर्स पुराने बुद्धिस्ट रिलिक देखने को मिल जाएंगे। मोगाओ ग्रोटर्स की बात करें, दे आर द ट्रेजर हाउस ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, जिसके अंदर 735 ग्रोटियोस, ओवर 45,000 स्क्वायर मीटर मुरल्स और 2,000 से ज़्यादा पेंटिंग स्कल्पचर्स हमें मिल जाएंगे। दुनहांग के बारे में बात करें, दुनहांग के अंदर हमें इंट्रैक्शन देखने को मिलेगा चाइना और इंडिया का, कि चाइना और इंडिया के बीच में जो आर्ट एंड कल्चर का जो यहाँ पर रिलेशन है वो किस तरीके से फैला था, दो एंशियंट सिविलाइजेशन किस तरीके से आपस में मिले थे। जो मगाओ ग्रोटर्स है दुनहांग के अंदर, वो रिमाइंड करवाते हैं हमें अजंता और एलोरा केव्स के बारे में, ओके। बिल्कुल उसी तरीके की केव्स हैं, मैंने आपको पीछे पिक्चर भी दिखाई थी कि जो केव्स हैं वो किस तरीके से हैं, और यहाँ पर हमें गौतम बुद्ध की तस्वीर और यहाँ पर कुछ बोधिसत्वास की तस्वीर भी देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ थी। तो इंडियन स्टाइल स्कल्पचर्स कैन बी सीन इन द मगाओ ग्रोटर्स, जिनको 4th-6th सेंचुरी के अंदर बनाया गया था। द मूव ऑफ द मोस्ट कॉमनली सीन अप्सरा फिगर्स इन दुनहांग मुरल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस। तो दुनहांग है वो एंशियंट बुद्धिस्ट सूत्र भी वहाँ पर हमें रखे हुए मिल जाएंगे, जो कि संस्कृत के अंदर लिखे हुए हैं। कुछ लीफ स्क्रिप्चर्स हैं जो कि चाइना और इंडिया के बीच में कल्चर एक्सचेंज कैसे हुआ उस चीज़ को दर्शाते हैं। बींग एन इम्पॉर्टेंटली हब सिटी, दुनहांग को हम लोग पर्ल ऑफ सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। तो आपसे सवाल पूछा सकता है कि कौन सा शहर पर्ल ऑफ सिल्क रोड है, तो आपको याद रखना है कि दुनहांग को पर्ल ऑफ सिल्क रोड के नाम से हम लोग जानते हैं। फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स जो एनवॉयज हैं, ऑफिशियल्स हैं, मर्चेंट्स हैं, कावंस हैं, मॉन्क्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो इस जगह पर विजिट करते रहे हैं। चाइना और इंडिया की अगर हम लोग बात करें, दे हैव अ क्लोजली डेवलप्ड इकोनॉमिक ट्रेड कल्चरल एक्सचेंजेस अलॉन्ग विद दिस सिल्क रोड, चाहे वो लैंड पे हो या सी पे हो। चाइना की जो पेपर मेकिंग, सिल्क, पॉर्सिलिन, चाय, टी, उनको इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। वाइल इंडियन सिंगिंग एंड डांसिंग, एस्ट्रोनॉमी, आर्किटेक्चर, स्पाइसेस, उनको हम लोगों ने चाइना में इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एक हिस्टोरिकल विटनेस बन गए थे कि इंडिया और चाइना किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर को एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक्सचेंज करते हैं। सिल्क रोड सिर्फ और सिर्फ ट्रेड की रोड नहीं है, व्यापार की रोड नहीं है, बट असलियत में वो एक रोड है फ्रेंडशिप की, म्यूचुअल लर्निंग की, जिसकी मदद से सिविलाइजेशन आपस में सीखते थे, लर्न करते थे। सिल्क रोड स्पिरिट इज ऑल अबाउट ओपननेस, एक्सचेंज एंड इंक्लूसिवनेस। इट रिवील्स द ट्रुथ कि यहाँ पर कोई भी प्रोग्रेस ओपननेस या ग्लोबलाइजेशन के बिना नहीं हो सकती, और इंडिया और चाइना के लिए ये एक विन विन सिचुएशन होगी अगर दोनों इसी तरीके से व्यापार में। इसी के साथ साथ अगर हम इंडिया और चाइना के बारे में और बात करें, इन लॉन्ग कोर्स ऑफ हिस्ट्री चाइना और इंडिया, जो कि दो सबसे पुरानी एंशियंट ओरिएंटल सिविलाइजेशन हैं, दोनों ने एक्सचेंज और म्यूचुअल लर्निंग की मदद से बहुत कई चीज़ें सीखी हैं। दो विग्रस और चार्मिंग सिविलाइजेशन को हम लोगों ने फॉर्म आउट किया है, और बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में भी इंडिया और चाइना का है।
आज की डेट के बारे में बात करें, न्यू एरा के बारे में बात करें, तो चाइना और इंडिया शुड ऑल्सो एडहर टू द इंक्लूसिवनेस, और जो हम दोनों देशों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको एक कॉमन ग्राउंड पर रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। वी शुड ट्रांसेंड सिविलाइजेशन बैरियर्स थ्रू एक्सचेंजेस, और सिविलाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट से ऊपर उठ के हम लोग को म्यूचुअल लर्निंग के बारे में सोचना चाहिए, कोएग्जिस्टेंस के बारे में सोचना चाहिए। डुनहैंग पेंट अ न्यू पिक्चर ऑफ डायलॉग एंड हारमोनी एंड राइट अ न्यू चैप्टर ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड हारमोनियस कोएग्जिस्टेंस बिटवीन चाइना एंड इंडियन सिविलाइजेशन। मूविंग ऑन, पेज नंबर 13, खबर मिलती है FATF ग्रुप ब्लैकलिस्ट पाकिस्तान। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है FATF द्वारा, ऐसा नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है FATF का, उसकी मीटिंग हुई थी कैनबेरा के अंदर फ्रॉम अगस्त 18 to 23, और उसने यहाँ पर देखा कि आउट ऑफ द 40 इंडिकेटर्स 32 इंडिकेटर्स में पाकिस्तान रहा है फेल। तो इस एशिया पैसिफिक वाली जो ग्रुप है इसने एनहांस्ड ब्लैकलिस्ट के अंदर पाकिस्तान को डाल दिया गया है, पाकिस्तान को प्लेस कर दिया गया है यहाँ पर अपनी ब्लैक लिस्ट के अंदर फॉर नॉन कंप्लायंस एंड नॉन एनफोर्समेंट ऑफ सेफगार्ड्स अगेंस्ट द टेरर फिनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग। अब पाकिस्तान को जो प्लेस आउट कर दिया गया है इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर, अब पाकिस्तान को टेरर फिनेंसिंग वगैरह और बाकी सारी चीज़ों को ऊपर और जल्दी से कदम उठाने पड़ेंगे। जो रीजनल ग्रुप है इट विल प्रेजेंट इट्स रिकमेंडेशन एट द पेरिस प्लेनरी जो FATF की अक्टूबर के अंदर होगी, और अक्टूबर के अंदर यहाँ पर बड़ा डिसीजन आएगा FATF का। पाकिस्तान ने तो यहाँ पर यही बोला है कि ब्लैक लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को रखना एक इनकरेक्ट डिसीजन है। APG की जो फाइनल रिपोर्ट है वो अक्टूबर के अंदर पब्लिश होगी। ग्रुप का ये कहना है कि दे अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ फॉलो अप रिपोर्ट्स जो कि APG मेंबर्स ने दी फॉर जॉइंट APG एंड FATF मेंबर्स एंड ऑल्सो एग्रीड टू रिवाइज द इवेल्यूएशन प्रोसीजर्स फॉर कमिंग ईयर रिफ्लेक्टिंग इस रीसेंट चैप्टर ऑफ ग्लोबल प्रोसीजर। कंट्रीज जो कि अंडर रिव्यू हैं ड्यूरिंग द करेंट सेशन, इसके अंदर चाइना है, चाइनीज तैपई है, हांगकॉन्ग है, चाइना है, पाकिस्तान, फिलीपींस और सोलोमन आइलैंड है। मतलब चाइना भी यहाँ पर अभी एक अंडर रिव्यू वाली कंडीशन है। ओके, किस पे? मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज़ के अंदर। APG के प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें, इट इज़ वन ऑफ द 3 रिव्यू प्रोसेसेस जो कि पाकिस्तान फेस करेगा अगले कुछ महीनों के अंदर। सितंबर 5 को APG की फिर से यहाँ पर मीटिंग होगी। ओके, और पिछले 15 महीनों के अंदर क्या यहाँ पर प्रोसेस किए गए पाकिस्तान द्वारा उनको इवेल्युएट किया जाएगा। फिर FATF की प्लेनरी सेशन होगा अक्टूबर 18 से 23 में, उसमें फाइनल डिसीजन आएगा। एट प्रेजेंट पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर है FATF की, जो कॉमन ग्रुप है यहाँ पर कंट्रीज का दैट आर टर्म्ड हाई रिस्क एंड नॉन कोऑपरेटिव ज्यूरिसडिक्शन। पेरिस प्लेनरी के बारे में बात करें वो डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से रिमूव करना है या नहीं करना है, या लिस्टिंग को कंटिन्यू करना है या उसको ब्लैक लिस्ट में करना है। ऑफिशियल्स का कहना है कि जो डाउनग्रेड है वो शायद ना हो, क्योंकि 3 देश अगर FATF के अंदर वीटो करते हैं तो उसको रोक दिया जाता है, और पाकिस्तान यहाँ पर बैकिंग चाइना, टर्की और मलेशिया की ले सकता है और अपने आप को बचा भी सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, पेज नंबर 14 पे मिलती है विद अमेजॉन फॉरेस्ट ऑन फायर्स ब्राज़ील फेसेस अ ग्लोबल बैकलैश। तो यहाँ पर अमेजॉन के जंगलों में हमें भीषण आग लगती हुई नज़र आई, इसका कारण मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पर जो बोल्सोनारो की जो सरकार है वो सबसे बड़ा यहाँ पर कारण है, और इसकी वजह से इंटरनेशनल सेटबैक भी हो गया है कि जर्मनी और नॉर्वे ने बोला है कि वो 1.2 बिलियन का जो कंजर्वेशन एड देते थे वो नहीं देंगे। इसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स मैंने आपको कल के लेक्चर में बताई थी। मूविंग ऑन टू द पेज नंबर 14, खबर मिलती है चाइना अनाउंसेस न्यू टैरिफ ऑन $75 बिलियन वर्थ US इंपोर्ट। तो चाइना ने भी अनाउंस किया है कि US से जो इंपोर्ट आते हैं अराउंड $75 बिलियन के, उनके ऊपर नए टैरिफ लगाए जाएंगे, और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला है कि वो भी इसका एक क्विक रिस्पॉन्स देंगे। तो हम लोगों को ट्रेड वॉर रुकती हुई नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर गाइस एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।